नमस्कार, आप देख रहे हैं यमुना मिशन समाचार। करते हैं शुरुआत आज की यमुना जी के मंगला आरती दर्शन के साथ। पितृपक्ष की चतुर्दशी तिथि को आज धर्म यात्रा महासंघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा अष्टसखी उपवन पर वृक्षारोपण किया गया। कल धर्म यात्रा महासंघ नगर की ओर से हम सब ब्रज प्रांत के जिले के नगर के और हम सब भाई बहन सब इकट्ठे हुए हैं। आप जमुना जी के किनारे अष्ट सखी वन पर सब लोगों ने मिलकर के वृक्षारोपण का आनंद लिया, वृक्षारोपण किया। हम सबको बहुत खुशी हुई सबको मिलकर के। और जमुना मिशन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, जिसको देख के सब लोगों को बहुत खुशी हुई। इतने वृक्ष, इतने रास्ते और मथुरा से वृंदावन तक जो रास्ता बना रहे हैं, दोनों तरफ साइडों वृक्ष लगा रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसलिए जमुना मिशन बधाई के पात्र हैं। जय जय श्री राधे। तो दर्शकों, जैसा कि पितृपक्ष चल रहा है और इस पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त अष्ट सखी उपवन पर आज और हमारे कुछ भाई और बहन यहां वृक्षारोपण के लिए आए हैं। आप ही से जानते हैं आज यहां वृक्षारोपण करने के लिए आप सभी लोग आए हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे, आपका परिचय। मैं हरिओम अग्रवाल, जिला अध्यक्ष धर्म यात्रा महासंघ मथुरा जी। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, बहुत रमणीय स्थान है जी। और यमुना मिशन के द्वारा बहुत अच्छा कार्यक्रम किया जा रहा है वृक्षारोपण के तौर पर, और वनों को बढ़ाया जा रहा है। हमारी पूरी यूनिट महानगर की, जिले की, महिला संगठन सारा यहाँ पर एकत्रित है और हम बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को देते हैं कि आप लोग इतना अच्छा बढ़िया कार्यक्रम कर रहे हैं, इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं बना रहे हैं। धर्म यात्रा महासंघ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है, शुभकामनाएं देता है। पितृपक्ष की, पितृ अमावस्या की पूर्व संध्या पर विशेष रूप से ध्रुव घाट पर भी वृक्षारोपण किया गया, जिसमें सभी महिलाओं ने उत्साह के साथ वृक्षारोपण किया और अपने पितरों से अपने कुल के लिए आशीर्वाद की प्राप्ति हेतु, उनके तृप्ति हेतु वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत आज लखनऊ से आई अनीता वर्मा ने अपनी सखियों के साथ संत पथ पर वृक्षारोपण किया। स्टार्टिंग यही चाहिए। अच्छा
अच्छा लगा जान के, मैं भी बचाव अभियान से जुड़ी हूँ। काफी घटना खाली रहे हैं और काफी टाइम से जहाँ पर वोटिंग है और जो हाईवे का एरिया है जहाँ पे पेड़ नहीं होते, हम लोग कई संस्थाएं या मिल के वहाँ पर भी करते हैं और ताकि हरियाली। ये सारी चीजें जब मैं यहाँ पर आई और मुझे पता चला आपके मिशन के बारे में, काफी अच्छा लगा। से जानते थे ये विचारधारा एक साथ में मिलकर काम करें, इस मिशन से मैं भी जुड़ना चाहती हूँ और आप लोग के साथ में मिलकर काम करने जी। मैंने आज यहाँ पर आकर एक अपने मतलब हाथों से एक कहिए कि जीवन लाइन ऑक्सीजन प्लांट लगाया है, क्योंकि ऑक्सीजन में हर पेड़ मिलता है। अच्छा लगा जब वो पेड़ बड़ा होगा तो मैं आगे रहूँगी, उसको पानी आप लोग देते रहेंगे, बड़ा होगा तो लगेगा कि हाँ मैंने अच्छा काम किया, कुछ किया है, मेरी स्मृति जिनके रूप में भी रहेगा। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने वृक्षारोपण करवाया और आप परोपकारी और एक महान मिशन से जुड़े हैं जिसका हिस्सा मैं भी बचा हूँ। सुझाव क्या मैं देना है, क्योंकि आपके जो संस्थापक हैं बंसल जी वो तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या सुझाव देना है? जहाँ पे मैं खड़ी हूँ मुझे बताया गया कि ये नाला था काफी लंबा और उसको आप लोगों ने इतना सुंदर उपवन की तरह सजा दिया है, तो सुझाव तो नहीं बस साथ मिलकर ही चलना चाहेंगे। और आइए अब आपको कराते हैं श्री यमुना जी की संध्या आरती के दर्शन। अब दे देते हैं आपको जानकारी कल के तापमान के संदर्भ में। कल का न्यूनतम तापमान रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान रहेगा 35 डिग्री सेल्सियस, आसमान साफ रहेगा। ये थे आज के मुख्य समाचार, अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।